आज का जो टॉपिक है वो आपका है मेल एंड फीमेल पेपर टर्निंग। ये हम जो है फीमेल पार्ट बना चुके हैं, आप देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग, ये देखें आप, ये हमने फीमेल पार्ट बना दिया है। इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन मैंने बता दिया है। पेपर टर्निंग करने का जो कैलकुलेशन है वो कैपिटल डी स्मॉल डी माइनस स्मॉल डी बटे दो, ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला लगाते हैं टेन थीटा का। तो हम ये फीमेल पार्ट बना चुके हैं, इसके बाद हम जो है इसका ये मेल पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए करते क्या है, हम जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा जो गुणा भाग करके आया है वो जो कैलकुलेशन आई है वो आई है 8.1, क्योंकि जो इसका जो बिग डाया है ये वाला जो बड़ा डाया है ये है 40, अंदर जो वाला डाया है ये 40 है, और जो इधर टेपर टर्निंग का इधर लास्ट में डाया है ये आपका 30 है, और जिसकी डिस्टेंस है वो 35 है। जिसको हम कैलकुलेशन करते हैं, जो फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल बोले 57/2, ये इसका फार्मूला है आपका टेबल टर्निंग का, ठीक है। तो आइए लैब मशीन पे हम अभी का मेल पार्ट किस प्रकार से बनाएंगे आपको दिखाते हैं। हम लैब मशीन पे हमने फीमेल पार्ट बना लिया है, इसके बाद में ये मेल पार्ट बना रहे हैं, इसको आपस में मैच करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। जो ड्राइंग है आपको वो भी दिखाई जाएगी। अब ये हमने टेपर जो है कैसे सेट किया है आपको दिखा रहे हैं। ये आपका क्या है, कंपाउंड स्लाइड है, ये आपका यहाँ पर टूल पोस्ट है, हमने यहाँ पर टूल लगा रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये कंपाउंड स्लाइड में दो नट होते हैं, एक नट इधर है एक यहाँ पर है। ये कंपाउंड स्लाइड है आपकी, कंपाउंड स्लाइड में आपके देख रहे हैं ये एक नट यहाँ पर लगा हुआ है, एक ये आपका आपका बोल्ट यहाँ लगा हुआ, दोनों बोल्टों को इनको लूज करते हैं तो ये आपका कंपाउंड स्लाइड आपकी घूम जाती है। ये 45 राइट 35 आपके लेफ्ट घूम जाती है। अब हमको आवश्यकता कितनी है, 8.1। तो क्या है, इसमें जीरो निशान देखो आप लगाए, ये जीरो लगा हुआ है, तो हमने इसको बाहरी टेपर काटना है तो ये इधर साइड में घूम जाएगा। आप जानते हैं जो आपकी कंपाउंड स्लाइड होती है इसके दो फायदे हैं, ये कंपाउंड स्लाइड आपका टेपर काटती है, ये बाहरी टेपर और आंतरिक टेपर दोनों काटती है। जैसे आप देखा ये जॉब है मैंने बनाया, ये जो बनाया है ये आपका इसमें आंतरिक टेपर कटा हुआ है, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड की विशेषता यही है, ये आपके आंतरिक टेपर और अभी हम इस पर काटेंगे बाहरी टेपर दोनों काट सकती है, लेकिन इसका डिसऑर्डर यह है कि इससे हम लंबे अथवा अधिक लंबाई के जॉबों की हम टेपर नहीं काट सकते, इसका डिसएडवांटेज यही है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हम फीमेल पार्ट मेल पार्ट पर किस प्रकार से हम टेपर काटेंगे। तो हमने 8.1 सेट कर लिया है, ठीक है, अब इसको हम टाइट कर लेंगे और अपने टूल यहाँ बांध रखा है। इसके बाद आइए लेट्स स्टार्ट। टेपर टर्निंग करते हैं तो जब हम टेपर सेट कर लेते हैं कंपाउंड स्लाइड से, तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हम क्या है कि इस स्लाइड को चलाना है, इस स्लाइड को रनिंग करना है हमें, हमें क्या है कैरिज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आप कैरिज डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा टेपर कटने वाला वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपका कैरिज क्या है, ये बैठ के पैरेलल चलता है। और ये हमारी कंपाउंड स्लाइड है जो हमने टेबल बांध रखा है, ये क्या होता है, ये आपके जो हमने टेबल बांध रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो विशेष रूप से ध्यान दें, स्टूडेंट करते क्या है कि इसको बीच में क्या है कि कम कैरिज को चला देते हैं, और कैरिज चलाने से क्या है आपका टेबल ख़राब हो जाता है, फिर मेल फीमेल पार्ट बैट जो है सेटिंग नहीं हो पाती है। टेबल काटते हैं तो टेबल काटते समय कंपाउंड स्लाइड को उसी कंडीशन में बाद में लेके आना, जैसे हम जैसे उसको बाद में लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको हम रनिंग करते रहेंगे, उसको बाद में लेके आना वहीं पर, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको और बैक करना है इसी बार का, इसे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्रॉस स्लाइड से हम साइज बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ से टेबल टर्निंग करते जाएंगे, काटते जाएंगे यहाँ से हम, देखिए टेबल कंडीशन आ रही है इसकी।